क्वेश्चन नंबर एट प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2019. प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31st March 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. ऑन 31st March 2019 कैश बुक ऑफ अ फर्म शोड अ बैंक बैलेंस 36,000 डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है, कुछ मेंशन नहीं है तो डेबिट ही होता है. वो बोल रहे हैं डेबिट है तो भी सेम ही है, अभी तक हम वही केस कर रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट, बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल बैलेंस है तो 36,000 प्लस कॉलम में आ जाएगा 36,000. अब कैशबुक का बैलेंस गिवन है, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे. सेकंड, फर्स्ट सीरियल नंबर उन्होंने बैलेंस को ही दे दिया. चेक्स हैड बीन इशूड फॉर 30,000. आपने चेक्स इशू करे, पेमेंट करी 30,000, आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ 2,400 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. जो चेक आपने इशू करे और प्रेजेंट हो गए वो आपका रीजन ऑफ वेरिएशन नहीं होता. रीजन ऑफ वेरिएशन होता है चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड. तो वो 6,000 थे ना, तो इस क्वेश्चन में ये सेम लैंग्वेज डिफरेंट है, बस आपको निकालना पड़ेगा चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड. चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड कितने हैं? 6,000. तो माइंड में आपके क्या पिक्चर आनी चाहिए? सेकेंड ट्रांजैक्शन है, क्या कंपेयर कर रहे हैं हम? कैशबुक और पासबुक. आपने चेक्स इशू करे 30,000 के, तो कैशबुक में से कितने कट गए? 30,000. लेकिन अभी प्रेजेंट कितने हुए हैं? 24,000. तो बैंक में से कितने पैसे कटे हैं? 24,000. बैंक में 24,000 कटे हैं, कैशबुक में 30,000 कटे हैं. तो बैंक में 6,000 कम कटे हैं. बैंक में कम कटे हैं 6,000. तो कम कटने की वजह से चेक्स प्रेजेंट नहीं हुए 6,000 के अभी. तो अभी बैंक का बैलेंस कम आ रहा होगा या ज्यादा आ रहा होगा? सर ज्यादा आ रहा होगा. वेरी गुड, बैंक का बैलेंस कैश बुक से ज्यादा आ रहा होगा. कितना ज्यादा आ रहा होगा? 6,000. ठीक है, तो हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो मेरे को बैंक का निकालना है. तो मैं क्या करूँ, प्लस करूँ या माइनस करूँ? सर प्लस करेंगे. गुड, तो प्लस सेकंड नंबर है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वन. और अभी सेकंड क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड, ज्यादा आ रहा होगा 6,000, तो प्लस कॉलम में आ जाएगा. इट इज अ प्लस आइटम. ओके, गुड. नेक्स्ट, चेक्स ऑफ 8,400 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक. हमने चेक्स कितने डिपॉजिट करे? 8,400 डिपॉजिट इन द बैंक ऑन 28th March 2019, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक. चेक तो डिपॉजिट हो गए बट अभी क्लियर नहीं हुए, क्रेडिट नहीं हुए हैं. ऑल्सो मतलब ये एक एडिशनल बात हो गई. तो चेक आपने डिपॉजिट करे अभी क्लियर नहीं हुए, एक बात. ऑल्सो अ चेक ऑफ 3,000 एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 30th March. एक चेक डिपॉजिट करा आपने, एक चेक डिपॉजिट करा 30th March को, कैश बुक में तो एंट्री आ गई बट इट वॉज बैंक्ड ऑन 3rd April. बैंक का मतलब डिपॉजिटेड इन द बैंक, डिपॉजिटेड इन द बैंक. बैंक में 3rd April को हुआ, कैश बुक में एंट्री दिखा दी है हमने, तो कैश बुक में तो बढ़ा दिया आपने, बैंक में अभी आ ही नहीं रहा. 8,400 भी वही है कि चेक आपने डिपॉजिट करे बट अभी बैंक में क्लियर नहीं हुए 31st March तक. और 3,000 का भी वही है कि आपने कैश बुक में तो एंट्री दिखा दी, बैंक में अभी नहीं दिखाई. तो अगर वर्किंग नोट बनता तो कैसा बनता?
कैश बुक पासबुक, कैश बुक में 8400 आ गए, बैंक में नहीं आए, कैश बुक में 3000 आ गए, बैंक में अभी नहीं आए। अक्षत, 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 यस सर, इस ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक में बैलेंस कम आ रहा होगा या ज्यादा आ रहा होगा? सर सर ज्यादा आ रहा होगा। वेरी गुड, कैसे बेटा? चेक डिपॉजिट करे, कैशबुक में एंट्री आ गई है, दिख रही है आपको स्क्रीन या नहीं दिख रही है? यस सर। तो कैशबुक में एंट्री आ गई है, कैशबुक में 8400 भी ऐड हो चुके हैं, 3000 भी ऐड हो चुके हैं, और बैंक में कुछ भी नहीं आया, तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक में बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? तो बैंक में अभी बैलेंस कम आ रहा होगा, यस और नो? यस सर। तो अगर बैंक में बैलेंस कम आ रहा होगा तो बीआरएस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? एक ट्रांजैक्शन है चेक्स डिपॉजिटेड, बैंक में चेक डिपॉजिट हुए, ठीक है, कैशबुक में एंट्री आ गई, बैंक में अभी नहीं आई, तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक का बैलेंस कम आ रहा होगा, किससे? कैशबुक से। अब मुझे बैंक का बैलेंस निकालना है, तो कैशबुक में से मैं प्लस करूं ये अमाउंट या माइनस करूं तो मुझे पता चलेगा बैंक में बैलेंस क्या है? सर माइनस। वेरी गुड, गुड आंसर, ऐसे आराम से टाइम लेके सोच समझ के दो, गुड आंसर। और अगर नहीं फ्रेम कर पा रहे तो आप बड़ी क्लियरली बोल सकते हो कि सर समझ नहीं आया, आप समझा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो गुड आंसर, बिल्कुल सही है, बैंक का बैलेंस कम आ रहा होगा। कितना कम आ रहा होगा? 11400। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्रेडिटेड, 8400 बैंक में कम आ रहा होगा, तो माइनस आइटम 8400। एक तो ये, और दूसरा क्या था? चेक एंटर्ड इन द कैश बुक नॉट बैंक, बैंक में भी डिपॉजिट ही नहीं करा, कितना? 3000। आप मर्ज करके भी दिखा सकते हो, ब्रैकेट्स में अमाउंट 8400 प्लस 3000, दोनों में लैंग्वेज सेम भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर, 31 मार्च को स्टेटस ये था। Port, a check from Suresh for rupees 2400 was deposited in the bank on 26 March 2019, was dishonored. Advice was received on 2nd April. अब ध्यान से देखना, interesting है, although dishonor वाला point repeat हो रहा है, but important है, इसलिए आराम से detail में करेंगे। Port transaction, एक होती है cash book, एक होती है passbook. पूरी कहानी स्टार्टिंग से समझा, 2400 का आपने चेक डिपॉजिट करा, ठीक है जी, बैंक में भी एंटर हो गया था, कैशबुक में भी एंटर हो गया था, अब ना वो डिसऑनर हो गया, इट वॉज डिसऑनर्ड। तो जब डिसऑनर होता है तो बैंक में से तो रिवर्स हो गया, बैंक में से तो रिवर्स हो गया, बट कैशबुक में एंट्री अभी नहीं आ रही, क्योंकि हमारे को तो 2nd अप्रैल को पता चला ना, 2nd अप्रैल को अगर इंटीमेशन आई है तो कैशबुक में से पैसे नहीं कटे, तो जब डिपॉजिट करा था तो कैशबुक में भी आ गया, पासबुक में भी आ गया, ये रीजन ऑफ वेरिएशन नहीं है। और ट्रांजैक्शन भी ये वाली डिसऑनर की बात हो रही है, डिसऑनर के टाइम क्या हुआ? डिसऑनर के टाइम बैंक में से तो पैसे कट गए, लेकिन बैंक ने हमें इंटीमेशन दी 2nd अप्रैल को, तो 31 मार्च की बीआरएस बन रही है, तो 31 मार्च को क्या सिचुएशन थी? कैशबुक में से नहीं कटे लेकिन बैंक में से कट चुके हैं। तो बेटा रुशील, बैंक में से पैसे कट चुके हैं, कैशबुक में पैसे नहीं कटे हैं, बैंक का बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? रुशील बोलो। सर बैंक में से कट चुके हैं और कैशबुक में से नहीं कटे हैं, यही सिचुएशन है बिल्कुल। तो बैंक इस ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक का बैलेंस कम आ रहा होगा या ज्यादा आ रहा होगा? कम आ रहा होगा। वेरी गुड, बैंक का बैलेंस कम आ रहा होगा, कितना कम आ रहा होगा? 2400 कम आ रहा होगा। वेरी गुड, अब बीआरएस में क्या दिखाऊं मैं? कैशबुक का बैलेंस गिवन है, बैंक का निकालना है, तो बैंक का बैलेंस कैशबुक से कम आ रहा होगा,
तो कैश बुक में प्लस करूं या माइनस? सर माइनस करेंगे। गुड, माइनस कर देंगे। नंदिका आप जा सकते हो बेटा। तो क्या लिखेंगे यहां पे? फोर्थ चेक डिसऑनर्ड नॉट एंटर्ड इन द चेक डिसऑनर्ड नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक में से तो पैसे कट चुके हैं, कितने 2400 बैंक से कट चुके हैं, तो माइनस साइड पे आ जाएगा 2400। तो बैंक का बैलेंस कम है तो कैश बुक में से माइनस करेंगे तभी पता चलेगा ना कितना है माइनस। फिफ्थ, पासबुक शोड बैंक चार्जेस ऑफ 120 डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक चार्जेस हैं, बैंक ने काटे हैं, तो बैंक ने तो काट लिए, तो बैंक में से पैसे कट चुके हैं, डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, पासबुक में कट गए पैसे, कट गए तो बैंक में कम होंगे, क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कैश बुक के बैलेंस जो गिवन है उसमें से माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस। कितना अमाउंट था? 120। ठीक, नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन, वन ऑफ द डेटर्स कस्टमर डिपॉजिटेड, वन ऑफ द डेटर्स डिपॉजिटेड 3000 इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म ऑन 26 मार्च 2019, बट द इंटीमेशन इन दिस रिस्पेक्ट वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक ऑन 2nd अप्रैल। चेक डिपॉजिट हुआ बट इंटीमेशन हमें 2nd अप्रैल को आई, तो डिपॉजिट हुआ तो बैंक में तो पैसे आ चुके हैं, बैंक का बैलेंस बढ़ चुका है, हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं आई तो कैश बुक में एंट्री नहीं आई, तो बैंक में ज्यादा आ रहा होगा, बैंक में ज्यादा आ रहा होगा, कितना ज्यादा आ रहा होगा? 3000। पहले बताया था एक टाइम के बाद ट्रांजेक्शन रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, तो कुछ क्वेश्चन अगर अपने ढंग से समझ के करे तो आपको वो सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा, और अगर बिना समझे करे तो वो आपको सारे क्वेश्चन में परेशान भी करेगा, तो बिना समझे मत करना। डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक बाय अ डेटर। डेटर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा, कितने? 3000। तो प्लस आइटम है, बैंक का बैलेंस 3000 ज्यादा आ रहा होगा, तो आंसर क्या निकला? बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, प्लस आइटम 45000 है, माइनस आइटम्स 13920, तो 31080 आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। अगर आप डिटेल्स और क्या है, बीआरएस एज ऑन 31st March 2019, यही अगर हम क्या कर रहे होते, डिटेल्स अमाउंट वाला कर रहे होते, तो जो जो ये प्लस आइटम्स है वो ऐड हो जाएंगे, जो जो माइनस आइटम्स है वो लेस करके दिखाएंगे, बट प्रेजेंटेशन में पहले सारे ऐड वाले आइटम्स, फिर सारे लेस वाले आइटम्स, तो क्वेश्चन रीड करते करते आपको अपने लिए वहीं पे लिखना पड़ेगा कि कौन से प्लस आइटम्स है, कौन से माइनस आइटम्स। स्क्रीनशॉट में भेज रहा हूँ आपको भी। क्वेश्चन नंबर 8,